386 की बात करते हैं। पाठ्यक्रम से बढ़ता रहेगा और आप लोग अपना ध्यान यहाँ केंद्रित रखेंगे तो अवश्य ही ज्योतिष सीख पाएंगे। और ये भावाश्रय फल हम लग्नानुसार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप बहुत सारे विषयों को यहाँ से समझ सकते हैं। तो आज जो बात होगी वो वृश्चिक लग्न में मंगल की बात होगी। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो लग्न से चतुर्थ तक एक पाठ में होता है, पंचम से अष्टम तक दूसरे पाठ में, और फिर नवम से द्वादश तक तीसरे पाठ में। तो जब आप किसी भी पाठ को पढ़ें तो क्रम से पढ़ें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मंगल के ही विषय में जानना हो तो उसको तीनों पाठ यदि पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। हम हमेशा कहते हैं कि जिनको ज्योतिष में रुचि ना हो उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको लाभ मिलेगा नहीं। यहाँ हम क्रम से ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर सीख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लग्न में मंगल है तो हम हमेशा कहते हैं कि ये पहले जानिए कि मंगल कौन है। तो मंगल एक अशुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से, ये आप लोग जानते हैं। साथ में काल पुरुष के पत्रिका में मंगल लग्नेश और अष्टमेश होता है। तीसरा कि वर्तमान पत्रिका में मंगल लग्नेश और षष्ठेश है। मंगल के सभी गुण स्वरूपों को याद कर लेते हैं, तब जब हम उसके विषय में बताएंगे तब लगेगा कि हाँ जो हमारी स्थिति है पत्रिका के अनुसार वही, या जिस जातक को बताएंगे तो उसको लगेगा कि हमारे पत्रिका के विषय में बताया जा रहा है। तो हम हमेशा कहते हैं कि मूल त्रिकोण राशि का विशेष महत्व रखता है, इसलिए वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश होते हुए भी बहुत शुभ फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमेशा मंगल छठे का प्रभाव रखता है और जिस स्थान में बैठेगा वो छठे के गुण के अनुकूल भी प्रभाव डालेगा। दो कारण है छठे के गुण के अनुसार प्रभाव डालना, पहला, तीसरे और छठे का ये स्थिर कारक होता है। दूसरा कि वर्तमान समय में यहाँ ये छठे का स्वामित्व भी रखता है। अब लग्न में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक के शत्रु अधिक हो सकते हैं, जातक ऋण लेने में अग्रसर हो सकता है। तो आपके मन में आएगा क्या सर रोचक महापुरुष योग का फल नहीं बताएंगे? हम कहते हैं कि हर ऐसे राजयोग और दुर्योगों को पहले परखना चाहिए कि वो किस तरह से रिजल्ट करेगा और कितना रिजल्ट करेगा, उसके बाद ही बताना उचित होगा। रुचक महापुरुष योग का फल करने के बाद भी वो छठे का फल भूल जाएगा ऐसा कभी संभव होगा ही नहीं। तो लग्न में मंगल हो तो सबसे पहले आपको अपना ही ध्यान रखना है कि बहुत उग्र होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े किसी से करने की जरूरत नहीं है, और साथ में चोट चपेट आदि से भी बचने की जरूरत है। ये तो हो गया। अब लग्न में मंगल है तो मंगल को सबसे लॉजिकल प्लैनेट कहा जाता है, तो ऐसा जातक तर्क से समझने वाला और दूसरों को तर्क से समझाने वाला होता। अब ये जल तत्व की राशि है ये भी हम लोग जानते हैं, अग्नि तत्व का ये मंगल ग्रह है, तो क्या बहुत लोग ऐसा आप लोगों को बताएंगे, आप लोग YouTube में या बहुत सेलिब्रिटी ज्योतिष जो हमारे टीवी पे आते हैं उन लोगों को सुनेंगे कि ये जल तत्व में आग चला गया, अब वो आग बुझ जाएगा, उसमें वो पावर ही नहीं बचेगा। तो ऐसे बातों को समझने की जरूरत नहीं है, तत्वों को किस तरह समझना है वो हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो अब ये जल तत्व में है लेकिन ये अग्नि प्रकृति का है, तो हमने इसीलिए कहा कि आपको अपने क्रोध के ऊपर भी नियंत्रण रखना है और किसी के साथ भी, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा देने वाला है तो आपके लग्न में बैठा तो आपकी मानसिकता ऐसी हो सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अब हम कभी नहीं कहेंगे
कि मंगल जब अपने घर को देखेगा तो वही अच्छा करेगा, बाकी किसी भी हाउस को देखेगा तो उसका नुकसान करेगा। तो चतुर्थ, सप्तम और अष्टम इन तीनों भावों से संबंधित फलों में ये कमी करेगा या उसका नुकसान करेगा या उसके अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। अब मंगल को यदि हम दूसरे स्थान में रख करके समझें तो सबसे पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये लग्नेश मंगल दूसरे स्थान में है, ये भी समझना पड़ेगा कि ये षष्ठेश मंगल दूसरे स्थान में है। तो जब षष्ठेश मंगल दूसरे स्थान में है तो इस स्थान के लिए ये त्रिकोण स्थान है, अर्थात यदि पैसे की जरूरत होगी और हमको ऋण से प्राप्त हो सकता है तो आपको कोई झिझक नहीं होगा ऋण लेने में। दूसरा, मंगल जब कुटुंब स्थान के ऊपर है तो मंगल हमेशा दुस्साहस का काम करता है, साहस का काम करता है, पराक्रमी ग्रह कहा गया है, फोर्स का कारक कहा गया है। तो इसके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि अपने कुटुंब जनों के ऊपर भी आप अपना प्रभाव डालना चाहेंगे, अर्थात आप अपने परिवार में भी नेतृत्व करना चाहेंगे। परिवार में सबका अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि परिवार के सभी लोग हमारा इज्जत करें। तो यहां आपका स्वभाव होगा कि आप अपने अंदर नेतृत्व को ढूंढेंगे। अब वाणी के ऊपर क्या प्रभाव होगा, तो वाणी बहुत ही लॉजिकल हो जाएगी, हर एक बात को जोर दे करके और समझा करके आप कहने का प्रयास करेंगे, अपनी वाणी को हर हाल में दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करेंगे। तो यदि आप सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं तो दूसरे स्थान में मंगल है तो आपके लिए बहुत अनुकूल है, और राशि धनु है, ये शुभ ग्रह की राशि है, इसीलिए हम इसको यहाँ अच्छा ही कहेंगे। और लग्नेश जिस स्थान में जाता है उस स्थान के प्रति बहुत अधिक ध्यान देता है, तो ऐसे जातक धन के प्रति बहुत आसक्त रहेंगे, धन कैसे आएगा, धन कैसे जमा करेंगे, इन सभी विषयों को विशेष रूप से समझना चाहेगा। अब यहाँ से मंगल की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, स्त्री जातक की पत्रिका हो या पुरुष जातक की पत्रिका हो, संभव है यहाँ संतान में हानि हो सकता है, संभव है हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं वहां परेशानी हो सकता है। अब इसकी दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है तो संभव है कि आयु की हानि कर सकता है, चोट चपेट दुर्घटना आदि अपनी दशाओं में दे सकता है। मारखंड आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी आगे समझेंगे, लेकिन मंगल दूसरे स्थान में है और देख आठवें को रहा है तो इसलिए इसके पास मारक का प्रभाव है और स्वामित्व छठे का भी रखता है। तो इस तरह से विषयों को समझना है। अब आठवीं दृष्टि से मंगल नवम स्थान को देखता है तो आप धर्म कर्म में भी लड़ाई झगड़े या अपनी बात रखने का अधिक प्रयास करें, आप उसमें भी कहते हैं ना लोग कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए, आप हमेशा अपने तौर तरीके से ही चाहेंगे कि धार्मिक कार्य हो या कोई धार्मिक आयोजन हो तो आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से हो, मतलब अपना प्रभुत्व कायम करना चाहेंगे जिससे क्या होगा कि जो कार्य होने वाला है वो भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है कि पिता स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है तो हो सकता है कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो, तो इस तरह से मंगल को हम लोग दूसरे स्थान में समझते हैं। अब मंगल यदि तीसरे स्थान में है, लग्नेश मंगल तीसरे स्थान में है, काल पुरुष के पत्रिका का भी लग्नेश तीसरे स्थान में है, वर्तमान पत्रिका में लग्नेश और षष्ठेश तीसरे स्थान में है, काल पुरुष के पत्रिका के अनुसार लग्नेश और अष्टमेश तीसरे स्थान में है और किसी भी पत्रिका में तीसरे और छठे का कारक तीसरे स्थान में, बाकी मंगल के गुण स्वरूप को तो ध्यान रखना ही है। अब मंगल तीसरे स्थान में है और शनि की ही राशि में वो उच्च का होता है,
आप समझ सकते हैं कि आप लोग अपने कैलकुलेट करके देखिएगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, तब आप देखेंगे कि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो अपने शत्रु की राशि में उच्च का होता है, इसीलिए हम मंगल के लिए दुस्साहस जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक तो लग्नेश होकर के तीसरे में है, अर्थात जातक बहुत बाहुबली होगा, अपने जीवन को अपने हाथों से संवारेगा, शत्रुओं के ऊपर हावी होगा, किसी भी तरह के कार्य को संपन्न करने का सामर्थ्य होगा, किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहेगा। साथ में मंगल यहां बैठा तो नौकर चाकर भी होंगे, क्योंकि चूंकि मंगल यहां अपने उच्च का स्थित हो गया तो ये तीसरे का नुकसान नहीं करके तीसरे से संबंधित होने वाले सारे फल अच्छे करेंगे। खेल कूद, अगर कोई शारीरिक क्षमता से खेल कूद है तो उसमें बहुत आगे जाएंगे। ऐसे जातक का शौक भी होगा कि हम अपना बॉडी बिल्डिंग करें। ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहन यदि हो तो उससे सुख मिलता है, जूनियर कर्मचारियों से सहयोग मिलता है। तो ये हम लोग यहां मंगल की स्थिति को समझेंगे। अब मंगल चौथी दृष्टि से छठे स्थान को देख रहा है तो इस स्थान को खराब नहीं करेगा, अर्थात इस स्थान को वो पीड़ित नहीं करेगा, अपना घर है। लेकिन इस घर से प्राप्त क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु। हम कहेंगे इन तीनों से बचने की जरूरत है। ये तीनों परेशान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मंगल स्वयं अपने घर को देख रहा है इसीलिए इन सभी विषयों के ऊपर वो अपना दमन भी बनाए रखेंगे। अर्थात शत्रु होगा तो जातक को सामर्थ्य होगा कि शत्रु का दमन करे, रोग होगा तो इलाज संभव है, और ऋण होगा तो उसको चुकता करने का भी सामर्थ्य होगा। अब यहां से अगर नवम पे दृष्टि है तो वही स्थिति हम कहेंगे कि नवम के ऊपर दृष्टि दे रहा है, अर्थात पिता के साथ धार्मिक कार्यों में, और भाग्य का कभी कभी साथ न मिले ऐसा भी संभव है। अब दशम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है तो क्या कहेंगे कि दशम स्थान में काल पुरुष में इसके उच्च की राशि है, ऐसा न सोचते हुए भी हम ये कहेंगे कि सहकर्मियों के साथ हमारा बहुत अनुकूल व्यवहार नहीं होगा और हम अपने कार्यस्थल के ऊपर किसी के लिए भी सहजता से समझने योग्य नहीं होंगे, हमारे साथ काम करने वाले लोग असहज महसूस करेंगे, तो ये हम लोग कह सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं कि मंगल यदि चतुर्थ स्थान में, तो ये भी हम जानते हैं कि मंगल दशम स्थान में दिग्बली होता है, अब चतुर्थ स्थान में स्थित है तो दिग्बल शून्य होगा। लेकिन यहां मंगल चतुर्थ का है, लग्नेश होकर के चतुर्थ का है तो जीवन में हर उस सुख सुविधाओं को प्राप्त करना चाहेगा, लेकिन चूंकि षष्ठेश भी है हर सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए उसको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आदि का भी सामना करना पड़ेगा, लीगल प्रोसेस में जाना पड़ सकता है। क्यों? सुख के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, घर मकान के लिए, क्योंकि षष्ठेश भी है मंगल तो लग्नेश है, चाहत होगी हमेशा प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे। कई लोगों को देखेंगे कई प्रॉपर्टियां खरीदते हैं लेकिन हर प्रॉपर्टी में किसी न किसी रूप में विवाद आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में संभव है कि यदि आप अपने सुख सुविधा के लिए कोई भी काम करने के लिए जाएंगे तो पहले दिन सॉल्व नहीं होगा, हो सकता है कि आपको विवादों का भी सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में जातक को मांगलिक भी कहते हैं, लेकिन मांगलिक के लिए हमने अलग से चैप्टर दे रखा है इसीलिए उसकी चर्चा यहां विशेष नहीं करेंगे। अब मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है तो हम निश्चित रूप से पत्नी को अपने दबाव में रखना चाहेंगे और संभव है कि पार्टनर से, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े करें, और यह भी संभव है कि जब हम कहीं यात्रा करें तो उसमें भी हमको चोट चपेट लग सकता। तो इस बातों को ध्यान में रख करके हमको चलना होता है।
दशम स्थान के ऊपर दृष्टि है तो कभी कार्य बहुत तेज गति से करेंगे और कभी सुस्त पड़ जाएंगे, करेंगे ही नहीं। तो ऐसे स्थिति में मंगल की दृष्टि हो और यदि आप ऐसे जातक के ऊपर ये विश्वास कर लें कि ये काम को समय से पूरा कर दे, तो ये खुद भी ना करे और दूसरे भी यदि कर रहे हो तो उसको भी डिस्टर्ब करे, इसकी संभावना हो सकती है। और ऐसे स्थिति में जब लाभ के ऊपर दृष्टि है तो हमेशा आपको लाभ के लिए, अर्थात आपका पैसा कहीं फंस जाए उसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा ही करना पड़ रहा है, सैलरी रुक जाए उसके लिए भी आपको मेल कीजिए, जाके बातचीत कीजिए, लड़ाई झगड़े कीजिए, तब प्राप्त हो। तो मंगल की दृष्टि 11th स्थान पे हो और वहां अन्य अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो तो संभव है कि बड़ा भाई ना हो। ऐसे जातक का जब प्रमोशन का वक्त आता है तो वो पीछे रह जाते हैं, किसी और को प्रमोशन मिल जाता है। इस तरह के बातों को हम लोगों को समझना है। तो यदि आप सरलता से पाठ को समझेंगे तो आसानी से ज्योतिष सीख पाएंगे। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या आप कंसल्टेशन चाहते हो या एजुकेशन चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।